एग्जाम्पल नंबर 5 आज अपन सॉल्व करेंगे, जो कि लिया गया है इनकम टैक्स की बुक का सेकेंड चैप्टर निवास स्थान और कर दायित्व से। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 रामचंद्र हैड द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम। गत वर्ष गत वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष में श्री रामचंद्र की निम्नलिखित कर योग्य आय है। इसमें जो फर्स्ट इनकम है सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में डिग्री सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन जो कि है 1,00,000 रुपए। सेकेंड बी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान 30,000, भारत में पैसे से आए परंतु जापान में प्राप्त की गई 30,000। थर्ड प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम मलाया आउट ऑफ विच 30,000 वाज रेमिटेड टू इंडिया, टोटल इनकम 60,000। मलाया में संपत्ति से आए जिसमें से 30,000 रुपए भारत भेजे गए, टोटल आय है 60,000 रुपए। और नेक्स्ट है इंदौर से व्यापार से अर्जित आय प्रॉफिट एंड फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर 50,000 रुपीज। केनिया से कृषि से आए एग्रीकल्चर इनकम इन केनिया 1,00,000 रुपीज। एफ नेपाल में चलाए जाने वाले व्यापार से लाभ जिसका नियंत्रण भारत से होता है 2,00,000 रुपए। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल्ड इन इंडिया 2,00,000 रुपीज। गत वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत लाए गए भूतकालीन लाभ जिन पर पहले भी कर नहीं लगा था, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम यूएसए 1,00,000 रुपीज। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ रामचंद्र फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 इफ ही इज रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए रामचंद्र की कुल आय की गणना कीजिए यदि वह भारत में निवासी हो, असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो। ये तो क्वेश्चन था, ठीक है। अब अपने को इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को नोट करना होगा भारत में उपार्जित और प्राप्त की गई आय, जो आय भारत में उपार्जित है और भारत में ही प्राप्त की गई है, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। वह इनकम जो भारत में एक्रूड की गई और रिसीव्ड भी भारत में ही हुई है, यहां अपन देखते हैं डी पॉइंट प्रॉफिट एंड फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। तो ये जो इनकम है वो भारत में ही अर्न की गई और भारत में ही प्राप्त की गई, तो ये अपन सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट इसमें अपन डी पॉइंट लिखेंगे प्रॉफिट एंड फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। भारत में प्राप्त की गई आय है और भारत में ही कमाई गई है, एक्रूड की गई है, तो ये रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा 50,000 रुपीज, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा, उनकी इनकम में इंक्लूड होगा और नॉन रेजिडेंट के लिए भी इनकम इंक्लूड होगा। अब अपने को वो इनकम लेनी है जो कि भारत में अर्न की गई है, भारत में एक्रूड की गई लेकिन अब्रॉड में या विदेश में प्राप्त की गई। इसमें सेकेंड पॉइंट देखते हैं अपन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान। ये जो इनकम है इनकम इंडिया की है बट रिसीव्ड इन जापान, फॉरेन में प्राप्त हुई है, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन। इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फॉरेन,
तो इसमें अपन पॉइंट लिखेंगे बी। बी पॉइंट क्या है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान। वह इनकम जो भारत में एक्रूड की गई लेकिन अब्रॉड विदेश में प्राप्त की गई है, तो वो जो भारत में एक्रूड की गई है सभी के लिए टैक्सेबल होगी, और जो इनकम है वो 30,000 है रेजिडेंट के लिए भी वो टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी और नॉन रेजिडेंट के लिए भी ये इनकम टैक्सेबल होगी। पहला पॉइंट अपन ने लिया था इंडिया में प्राप्त हुई और इंडिया में उपार्जित की गई। दूसरा पॉइंट अपन ने लिया था इंडिया में उपार्जित थी बट अब्रॉड में प्राप्त हुई। तीसरा पॉइंट अपने को लेना होगा कि इंडिया में प्राप्त बट एक्रूड इन अब्रॉड, भारत में प्राप्त और विदेश में उपार्जित आय। यहाँ पे ए पॉइंट में अपन देखते हैं कि इन सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में सर्विस करी ठीक है, तो ये जो इनकम है वो विदेशी इनकम है बट रिसीव्ड इन इंडिया भारत में प्राप्त किया गया, तो इसको अपन नोट डाउन करेंगे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट एक्रूड इन फॉरेन। इसमें अपन लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर फॉरेन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में दी गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन। तो भारत में प्राप्त है तो रेजिडेंट के लिए भी 1,00,000 रुपीज टैक्सेबल हो गए, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल। अब अपने को नेक्स्ट पॉइंट लेना पड़ेगा भारत के बाहर की इनकम और बाहर ही प्राप्त हुई है ऐसी इनकम जो एक्रूड भी बाहर आउट ऑफ मतलब फॉरेन में हुई है और रिसीव्ड भी फॉरेन में हुई है। यहाँ पर अपन सी पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर्टी इनकम इन मलाया आउट ऑफ विच 30,000 रुपीज वाज रेमिटेड इन इंडिया 60,000, तो मलाया में प्रॉपर्टी की इनकम है और मलाया में प्राप्त हुई 30,000 रुपीज इंडिया में आया, तो वो ट्रांसफर है तो उसको अपन छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है ओके। और ये जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी ओनली फॉर रेजिडेंट के लिए। इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट या एंड रिसीव्ड आल्सो आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर एक्रूड इनकम और भारत से बाहर ही प्राप्त इनकम टैक्सेबल होगी ओनली फॉर रेजिडेंट के लिए। और ये जो मलाया से इनकम है पॉइंट नंबर सी, प्रॉपर्टी इनकम इन मलाया ओनली फॉर रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, तो रेजिडेंट की इनकम में अपन इंक्लूड इसको करेंगे। अगला जो पॉइंट है एग्रीकल्चर इनकम इन केन्या, ये भी आउटसाइड में एक्रूड हुई है और प्राप्त हुई है ठीक है, तो इसको भी अपन नोट डाउन करेंगे इसी में, इनकम एक्रूड इन आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आल्सो इन आउटसाइड इंडिया, तो ये भी बाहर से बाहर की इनकम है और बाहर ही प्राप्त हुई है, तो उसी में इसी में अपन नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ई पॉइंट एग्रीकल्चर। इन केन्या और इनकम है 1,00,000 रुपीज टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट, केवल निवासी करदाता के लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल्ड इन फ्रॉम इंडिया, तो नेपाल में जो बिजनेस है उसकी इनकम है लेकिन इसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल है ही और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी ये टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिखेंगे आउटसाइड इंडिया एक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आल्सो आउटसाइड इंडिया। पॉइंट नंबर एफ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड आउट एट नेपाल बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, नेपाल में बिजनेस से इनकम है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है,
कंट्रोल इंडिया से होने के कारण नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी ये जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी, और ये जो इनकम है वो है 2 लाख रुपीज, टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट के लिए ये टैक्सेबल नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट एफ कंप्लीटेड। जी में देखते अपन, पास्ट अनटैक्सेड प्रॉफिट रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम यूएसए। गत वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत लाए गए भूतकालीन लाभ जिस पर पहले भी कर नहीं लगा हुआ, तो ये प्रीवियस ईयर से पहले का है, पहले का, तो प्रीवियस ईयर की जो टोटल इनकम है उसके अंदर इंक्लूड इसको नहीं किया जाएगा, चाहे उस समय इस पर टैक्स नहीं लगा हुआ। ओके, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे किसी में भी, तीनों में से किसी में अपन को इंक्लूड इसको नहीं करना है। पॉइंट नंबर जी, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम यूएसए। तो ये जो इनकम है न रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, न नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, और न ही नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, तो इसको किसी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब अपन इसको टोटल लगा देते हैं। रेजिडेंट की टोटल इनकम 50,000, 30,000, 1 लाख, 60,000, 1 लाख एंड 2 लाख, टोटल हो गया 5,40,000। और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो टोटल इनकम है 50 + 30 + 1 लाख + 2 लाख, ये हो गया 3,80,000। और नॉन रेजिडेंट के लिए है 50 + 30 = 80 + 1 लाख 1,80,000। ओके, कंप्लीटेड।